जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र गांव गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड चाट डायरेक्टरी में। कराएं चाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके चाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ चाट जागरण के साथ। नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों को। देखियो, हमें पीछे एक वीडियो बनाया था कि जाटों के सबसे ज्यादा मुकदमे केसेस यू कैन से कोर्ट्स में जो है, रीजन इसके कई हैं। हमारे धर्मवीर भाई ने बताया कि भाई ठीक है, कोर्ट में केसेस तो, पर इनका रिसर्च करके भाइयों को समझाओ ताकि आपस में ना लड़े और कोर्ट ना जाए या भारी फैसला कर ले, ना लड़े, शांति से जीवन जिए। तो उसके ऊपर जब हमने 50-40 भाइयों से पूछा कि भी क्या कारण है कि ये जो झगड़े हैं इनकी वजह क्या, सबसे पहली वजह आई जो कि घरेलू झगड़े के अंदर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल जो है मेन फर्स्ट प्रेफरेंस है जो घरेलू झगड़े की। तब आप पूछेंगे कैसे, तो कैसे ऐसे भाई, कोई भी बात होगी एक मिनट से पहले, जैसे मियां बीवी का झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते ही फ़ोन मिल जाते हैं, वो किसी को मिलाता है और स्पेशली जो वाइफ होती हैं अपनी माँ को मिलाएंगी। वो माँ जो अपना घर संभाले ना संभाले पर अपनी बेटी के घर संभालने का पूरा ठेके लेके रखती है। वो भाई जो अपने बहन के घर से को देख के खुश नहीं पर उसका अपना घर नहीं संभलता चाहे उससे, वहाँ वो उसका सबसे बड़ा खैरगा आ जाता है। इधर जो बीवी है वो अपने घर वालों की उसमें आ जाती है। अब लड़का बेचारा क्या करे मजबूरी में, या ये भी कहते कई बार लड़के घर वाले भी सेम पोजिशन आ जाती है, दोनों बातें। तो मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा यूज़ होगा और जितना ज़्यादा बातें होंगी, कान भरे जाएंगे, एक की बात 10 बनाए जाएंगे, तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो मेरा निवेदन है जब भी किसी भाई बहन की कोई आपस में काया सुनी या झगड़ा कुछ हो जाए, कोई बात होती है, तो थोड़ा शांति का दान दें। फट से फ़ोन ना मिलाएं कि हमने फ़ोन मिला दिया, शांति से समझे। देखिए एक परिवार में दो बर्तन खड़केंगे जरूर, तो इसलिए यहाँ दूसरा कारण। तो वैसे मैं कई कारण लाइन से और बताता हूँ। दूसरा इसमें कारण भाइयों है सास का। जहाँ एक तरफ उसकी बेटी होती है तो बेटी के लिए उसकी ये आकांक्षा होती है कि उसकी बेटी जाए अगले घर में और जाते ही राज करे। दूसरे की बेटी उसके घर में जो आए वो आते ही नौकरानी की तरह रहे, समझना। मतलब जो सास होती है 90% केसेज में हमने पाया वो कभी बहू को तो बेटी नहीं मानती और अपनी बेटी को चाहे वो सारे राज करे, तो वो डिफरेंस जो ले आती है उससे डिफरेंस बढ़ता है। तो अगर समझदार सास है बहू में और बेटी में डिफरेंस ना करके एक बीच का लाइन खींचे या डिस्टेंस बनाए तो झगड़े कम होंगे। अगला मुख्य कारण जो है, जैसे किसी के दो बेटे हैं, चार बेटे, पांच बच्चे हैं, माता पिता का एक बच्चे की तरफ झुकाव ज़्यादा। मतलब एक बच्चा कितना ठीक काम कर ले, जो गलत है वो कुछ भी कह दे वो ठीक ही ठीक, उसकी हाँ में आ, जो बेचारा ठीक है उसकी सुनना ही ना, तो ये भी एक डिफरेंस का कारण हो। तो अपने बच्चों को बराबर की सम्मान दे, बराबर दोनों बातों की सुने। पांच बच्चे तो पांचों सुने, दो हैं तो दोनों की सुने। अगला कारण जो समझ में आया, सपोज कि आपके दो बेटे हैं और दो बहुएँ हैं, एक बहू को अत्यधिक सम्मान देना, एक बहू को निग्लेक्ट करना, ये भी कारण है। जैसे कि मैंने कहा सम्मान ही मेन, मैंने क्या कहा धर्म क्यों बदले गए ज़्यादा, इसलिए बदले जहाँ सम्मान ना मिले आदमी अब बागी हो जाता है। एक बच्चे में नुक्स बार बार निकालना, एक में बिल्कुल ना निकालना, जो गलती करे तो भी नुक्स ना निकालना। सास का बेटी के घर में, शादीशुदा बेटी के घर में बार बार दखल देना किसी पॉइंट पे कि मुझसे पूछ के करो ये करो, नहीं, ये भी एक मुख्य कारण है, तो दखल नहीं देना चाहिए। एक ये भी कारण है कि माँ बाप अपनी बेटी और दामाद से राय लेते हैं, अपने बेटे को नहीं पूछते। क्यों भाई, तेरे घर में तेरा बेटा है, उसको तो उसकी बहू को तो पूछ नहीं रहे, और तुम अपने दामाद को हीरो बना रहे हो और बेटी को हीरो बना रहे हो, क्या वजह भाई? डिस्टेंस मेंटेन रखिए। वो बेटा रोज़ तुम्हारी सेवा कर रहा है, जो देखिए तो सच है प्रकृति का नियम है, जो पास रहता है उसमें ज़्यादा कमियाँ दिखती है, जो दूर होता है दो घंटे के लिए आता है बात छोक के चला जाता है, वो तो अच्छा लगेगा आपको। अरे एक काम कीजिए, इसका भयम निकाल लीजिए, अगर किसी को मेरे बाप पे शक हो तो जो ज़्यादा अच्छी अच्छी प्यारी बातें करता ना, दो चार महीने उसके पास रह के ले दीजिए, उसकी सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। अगला पॉइंट, समय पे बंटवारा ना करना।
अब एक बच्चा 30 साल का हो गया, 35 को उसको बंटवारा ना करना, 50 साल 55 साल तक बंटवारा ना देना, और बंटवारे में भेदभाव करना। देखिए जहाँ भेदभाव होगा, जब आपने एक बच्चे को हिस्सा ही कम दिया तो कहेगा जा फिर वहीं रह, जा ज़्यादा दिया, अब ज़्यादा बड़ा कहेगा मुझे मिल के मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, फिर ना इधर के रहे ना इधर के। तो भाई जो बंटवारा करे वो ज़रूर सबसे बराबर करें, भेदभाव ना करें, सभी बच्चों को इकट्ठे बिठा के अपनी राय लें, उनमें अगर कोई गलत फहमी दूर हो रही है तो वो दूर करें। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप इस चीज़ को वैल्यूएशन कीजिए। जहाँ कोई ज़्यादा झगड़ा हो जाए तो शांत रहें थोड़े दिन, कम बोल लें ना बोल लें, ताकि उसको भी समय मिले अपनी गलती सुधारने का। अगर वो गुस्से में है तुम भी गुस्से में बोलोगे तो वो देखिए आग घी का काम होगा, तो आग जो पानी से बुझती है, तो थोड़े दिन शांत होकर चुप हो जाइए, अपने आप जब उस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को या किससे भी आप लड़ते हैं उसको अपनी गलती का एहसास हो तो शांत हो जाता है। ये एक सेकंड दो थोड़ी देर का गुस्सा होता तो फिर गड़बड़ करता है। तो भाइयों ये कुछ समझ में आए पॉइंट्स, अब देखते हैं कौन हमारा भाई इस बात को समझ पाता है कि हमने इस रिसर्च ठीक की गलत की, और भी कोई पॉइंट ऐसा जो झगड़े का मुख्य कारण है, जैसे भेदभाव है, बंटवारा टाइम पर ना करना, कम ज़्यादा करना, घर में लड़की की ज़्यादा सुनना या लड़कियों की तरफ, या बेटा भी है तो बहू की तरफ, बहू भी अपने भाइयों को बुला रही है, बहन को बुला रही है, पति के भाइयों को नहीं बुला रही, बच्चे को नहीं बुला रही, ये मीन से कुछ पॉइंट। आप रिश्ते के सबको सम्मान दीजिए, बराबर दीजिए, पर ना कम ना ज़्यादा, बढ़िया सारे काम आप रहेंगे। तो इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद। ठीक है भाई।